पे कोई अगर एक दूसरे से कंसेशंस करके कोई अमन कायम करने की कोशिश करेगा तो वो अमन कायम नहीं होगा। अमन वही काम कायम होगा जो जिसके वसाइल है, चाहे वो बलोचियों के जो वसाइल है तो उनमें बुनियादी और फौरी जो हक है वो बलोचियों का है, सिंधियों के जो हकूक हैं वो सिंधियों के हैं जो उनके कुदरती वसाइल हैं। तो अगर जो है वो उनके कुदरती वसाइल की बंदरबांट नहीं होगी, उसको जाति पसंद और नफसंद की बुनियाद पर क्या उसकी बुनियाद पर जो है वो दूसरी जगहों पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा, तो फिर हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम होगा, कश्मीर के अंदर भी अमन कायम होगा, हिंदुस्तान के अंदर भी अमन कायम होगा। आप देखिए कि कर्फ्यू करके पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ और कर्फ्यू जाहिर जो है वो उसको उसको एक एक फिरकावारण है, एक एक फिरके के एक जय्यद आलम का मर्डर हो गया, लेकिन उसमें उस जय्यद आलम के असल कातिलों को जो है वो तलाश करने के बजाय सारे गिलगित बल्तिस्तान के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो सारे जो है वो स्कर्दू में, गिलगित में, अस्तौर में सारे लोग जो है कुछ रुपोश हैं और कुछ जेलों के अंदर, थानों के अंदर जो है वो जुल्म तशद्दुद का शिकार है। तो हम पाकिस्तान को ये कहते हैं बड़े अदब के साथ कि वो अपने इस रवैये में तब्दीली लाए, वो अपने लोगों को और कश्मीरियों की जो है वो शख्सियत का एहतराम करे और हम अब जो है वो उस दौर में नहीं हैं कि जिस दौर में आप हम पे एक नायब तहसीलदार मुसल्लत कर देते थे और उस नायब तहसीलदार को भी जो है ना वो हम हुक्मरान के तौर पर कबूल कर लिया करते थे। ये 21वीं ये जमहूरिया का आयद है, ये इंसानी आज़ादियों का आयद है और इंसानी हकूक का आयद है। तो इसलिए हमें इस तोसी पसंदी के और इस तोसी पसंदाना नज़रियात के ख़िलाफ़ जो है वो हर फोरम पे उठ खड़ा होना है, जद्दोजहद करनी है और इसके लिए हम किसी से भी कोई खौफज़दा नहीं है। इन्होंने हमें अपने जेलों में भी डाल के देखा, इन्होंने तशद्दुद करके भी देखा, इनके सारे हरासमेंट्स का हमने मुकाबला किया है और हर फोरम पे मुकाबला करेंगे। ये गलतफहमी ना हिंदुस्तान को होनी चाहिए और ना पाकिस्तान को होनी चाहिए कि हम उनके जुल्म और जबर के हथकंडों से मरगूब होके तो हम अपने वतन की तकसीम कबूल कर लेंगे या हम उनकी हकमियत को तस्लीम कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और ये हमारा रहेगा और इस पर हुक्मरानी का हक सिर्फ कश्मीरियों को है और कठपुतली और पपेट्स और शोपीस जो इन्होंने हम पे मसालत किए हुए हैं इनकी कोई वक़्त नहीं है और ना हम इनको ज़्यादा देर जो है वो अपने हितों के अंदर जो है वो इस तरह रहने देंगे। और एजेंसीज को स्पेशली जो है, क्योंकि हम सारे जो है डॉक्टर साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित के अंदर एक एक लोकल काउंसलर भी जो है मुंतखब नहीं हो सकता। पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट दी जाती है कि ये हमारे बंदे हैं, इनको टिकट जारी करिए वरना नहीं तो, यानी एक पूरी ब्लैकमेलिंग और बॉर्गेनिंग के एक ऐसे निज़ाम तले जो है ना वो लोग हैं। तो हमने पहले भी आपकी एक लंबी तारीख है इंसानी हकूक के हवाले से, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपकी रहबरी और रहनमाई नसीब है कि जिसमें आप शुरू दिन से ही एक इंसानी हकूक की तहरीक के साथ वाबस्ता हैं और आपने ज़माना तालिबे इल्मी से लेके इस वक्त तक जो है वो किसी जगह भी आप किसी खौफ जदगी का या किसी मौका परस्ती का शिकार नहीं हुए। तो हमारी भी यानी जब हमने यूके पीएनपी के प्लेटफॉर्म से इस जद्दोजहद का आगाज़ किया और जिस वक्त सारे पाकिस्तान यानी कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके कोहटा तक जो है वो लोग एक जहादी कल्चर के शहर में मुबतला थे और जिस वक्त जो है वो लोग ये समझते थे कि इस जहाद के समरात जो है वो ये होंगे कि पूरा सेंट्रल एशिया जो है वो उस पर भी कब्जा हो जाएगा, तो हमने उस वक्त भी अपने विजडम के साथ पी के प्लेटफॉर्म से जो है इन पॉलिसियों की मुखालफत की थी। हमने ये कहा था कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो सलब हो जाएंगे, इसके नतीजे में कश्मीरी आवाम का कत्लेआम होगा लेकिन कश्मीरियों को कोई हक नहीं मिलेगा। और उस वक्त यार लोग ये समझते थे कि शायद हम कोई बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया और आज मुशर्रफ साहब भी जो दावे करते हैं, आज जो वो कहते हैं आज इतनी तंजीमों को उन्होंने बैन किया, तो ये वो सारी तंजीमें हैं कि जिन जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों की मंजूर नज़र तंजीमें थी, जिनको करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट काट के तो उनकी तिजोरियाँ भरी गई, उनकी गाड़ियों से लेके उनके बालों की जो है ना वो नमाज करवाई गई पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, और आज भी वो बैंड जो है वो हकीकी नहीं है।
यही वजह है कि कराची के अंदर दहशतगर्दी है, लाहौर के अंदर दहशतगर्दी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म है, और कश्मीर के अंदर भी जो है। तो ये चूंकि स्टेट इंस्टीट्यूशन जब तक कि वो अपना दिल अपना दिमाग तब्दील ना करें और इस हकीकत को तस्लीम ना करें कि इस खिते के अंदर रहने वाले लोगों को उनके बुनियादी हकूक दिए जाए, उस वक्त तक ये कत्लो गारत करी जारी रहेगी। लिहाजा हम सब लोगों का जो बैन अक्वामी तहरीकों के साथ वाबस्ता है, जो अपने खितों के आवाम से मोहब्बत करते हैं, हम सब लोगों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने खिते के लोगों की हकूक के लिए, उनकी मसाइल के लिए और खिते के अंदर अमन के क्याम के लिए जो है वो जदोजहद करें और कोशिश करें कि वहाँ जमहूरी इदारे मुस्तकम हों, कोशिश करें कि वहाँ लोगों को जो है ना पीने का साफ पानी मिले, कोशिश करें कि वहाँ लोगों को रोज़गार मिले और एक ऐसा निज़ाम वहाँ लाया जाए जिस निज़ाम के नतीजे में हमें जलावतन न हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नबियों को भी जिस वक्त जुल्म का और जबर का सामना रहा तो उन्होंने भी हिजरत की। ठीक है, हिजरत तो नबियों की सुन्नत है, लेकिन हिजरत हमारी किस्मत नहीं है, ये हमारा मुकद्दर नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो एक हिजरत की ज़िंदगी बसर करें, बल्कि हमारा बुनियादी हक ये है कि हमें अपने खितों के अंदर जो है वो रोज़गार मिले, हमें अपने खितों के अंदर जो है ना वो अपने आवाम की, अपने लोगों की, अपने बीवी बच्चों की, अपने बहन भाइयों की कफालत करने के मौके में असर हो, और हमारी रियासत या हमारे वो खित्ते जो है वो कोई भांज नहीं है। ज़रूरी तौर पर अगर पाकिस्तान को देखें, हिंदुस्तान को देखें, तो ये दुनिया के ज़रखेज तरीन खिते हैं, और कश्मीर की तो के लिए तो मशहूर है कि वहाँ की ज़मीन भी चोरी होती है, इसलिए मिट्टी भी चोरी होती है, क्योंकि ये ज़रखेज़ इलाके हैं जो अपने आवाम की बेहतर कफालत कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एक ऐसे निज़ाम तले हैं जिसमें ज़ाती पसंद और नापसंद पड़ रही है और जिसमें एक खसीर रकम जो है बजट की जो है वो चली जाती है दिफाई मकासद के नाम पर जो है वो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है, वो ऐसे लोगों के ज़ाती तिजोरियों में चली जाती है कि जो किसी भी तरक्याती सरगर्मी में किसी भी वेलफेयर के अमल में शरीक नहीं है, और एक ऐसी जंग की कैफियत है हमारे खिते के अंदर कि कोई नहीं जानता कि मतलब उस खिते के अंदर क्या होने वाला है। दावे हुक्मरानों के बेशुमार है कि जी हमारे ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, हमारा ये बढ़, लेकिन जब हम अखबारात को उठा के देखते हैं तो वही बेरोज़गारी, हम रोज़नामा जंग को पढ़ते हैं तो वही बेरोज़गारी, वही रोना है, वही महंगाई का रोना है, वही खुदकशियाँ हैं कि आज इतने इतने एक माँ ने जो है वो इतने बच्चों के साथ जो है वो खुदकशी कर ली, क्योंकि उसको 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 इतने दिनों से वो फाके का शिकार थी। तो ये सब जो मसाइल हैं ये इस वजह से हैं कि हमारे हुक्मरान जो हम पर मसलत हैं वो तोसी पसंद हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो आवाम के दोस्त नहीं हैं। लिहाजा हम पाकिस्तान के महिब वतन लोगों को, पाकिस्तान की जमहूरी गुफ्तों को ये कहते हैं कि वो अपना कायदाना और क्यादाना रोल अदा करने के लिए आपस में इतिहाद और इत्तेफाक करें ताकि खिते के अंदर अमन हो, दोस्ती हो और अखुवत को फ़रोग मिले, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने अमन कश्मीर मसला कश्मीर के हल के लिए पीस प्रोसेस शुरू किया है उसको बढ़ावा दें और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि खिते के अंदर जो है वो हम भी एक नई सुबह को देख सकें, ताकि हम भी उस एक अपने मुस्तकबिल के बारे में एक यकीनी कैफियत में आएँ और इस गैर यकीनी कैफियत से निकलें। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। करें जनाब, ठीक है ना? ओके, आपको पाकिस्तानी आईन में मुकम्मल तहफ़ हासिल है एज ए कश्मीरी, पाकिस्तान जो है आपकी कश्मीरी आइडेंटिटी को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है, इसके बावजूद आपने इस कॉन्फ्रेंस के एड्रेस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान को यकसा तौर पर जो है तनकीद का निशाना बनाया है, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात यह है कि बहसियत कश्मीरी पाकिस्तान का चूंकि अपना क्लेम यह है कि हम पाकिस्तान के जो है शहरी नहीं हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 257 के मुताबिक पाकिस्तान में जब कश्मीर शामिल होगा तो देन कश्मीरी, लेकिन दूसरी जानब हम पे चार
लैंड ऑफिसर्स जो है वो रियल हुक्मरान हैं, और कोई कश्मीरी प्रमोट होके तो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, कोई कश्मीरी जो है वो प्रमोट होके तो आईजी पुलिस नहीं बन सकता। ये सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से आते हैं। एक जानब हमें इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 में ये कहा गया है कि नॉर्मली कोई भी नॉन कश्मीरी आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पे जो है वो जॉब नहीं ले सकता, लेकिन दूसरी जानब जो सबसे पावरफुल इदारे हैं और हमारे सारे उन इदारों के जो है वो सरबराह हैं वो पाकिस्तानी हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहसियत है एक कश्मीरी के और एक ऐसे कश्मीरी के जो कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे यकीन रखता है, जो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट बनाना चाहता है, उस कश्मीरी को राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 47 में हमें कहा गया है कि हम सिर्फ उन्हीं कश्मीरियों को अलाउ करते हैं जो कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलग पे यकीन रखते हैं, उन्हीं को हम जवाब देंगे जो कश्मीरी जो है वो कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलग पे यकीन रखते हैं। तो ये बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि हम आज़ाद कश्मीर का जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे एक्ट 1974 कहा जाता है उसके मुताबिक हम बुनियादी सियासी समाजी और माशी हकूक़ से मारूम है, और एक डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज उसमें मौजूद है कि कोई कश्मीरी जो है, एक जानब तो ये कहा जाता है कि आप हक़ ख़ुद अख्तियारी और हक़ ख़ुद अरादियत की हम हमायत करते हैं कश्मीरियों की, और दूसरी जानब जो है वो कि हम इलेक्शन में ऐसा नहीं ले सकते इसलिए कि हम कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ पे यकीन नहीं रखते, हम कोई जॉब इसलिए नहीं ले सकते कि हम कश्मीर के पाकिस्तान के हलाक पे यकीन रखते। इवन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं सरदार अतीक अहमद, एक जान वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, वो हलाके पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, कश्मीर बने का पाकिस्तान की बात करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर अय्याद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सरदार अतीक खान को जो है वो अपना मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, अपनी कैबिनेट में लेना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारे जो है वो उनको क्लियर नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया या बड़े पैमाने पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अदरवाइज़ हम तो बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। माय डियर कंट्रीमैन एंड द चेयरमैन इंटरनेशनल कश्मीर अलायंस डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, द सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल कश्मीर अलायंस एंड द चेयरमैन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी Sardar Shaukat Ali Kashmiri, respected guests from Holland and our guest from Belgium, Madame Houdeli. I warmly welcome you here on my personal behalf, on behalf of the United Kashmir People's Nation Party Belgium, that you spare a very precious time come over here. The basic purpose to call you was the both leaders were invited by the European Parliament Human Rights Desk to brief them and to get new information regarding Kashmir issue, and having the opportunity of this time we thought that they should inform all of us the current and ongoing development of Kashmir problem. That's why we call all of you to come here, and we are very much thankful to you that you spare your time in a very short notice. The AKA leadership and both the leaders met with officials in the European Parliament, with different MEPs. They talked to them about human rights situation and other chances.
across line of control. They discussed with them the situation prevailing in Indian-held part of Kashmir, the jurisprudence of Kashmir conflict, and the situation which is ongoing in northern areas of Kashmir, the northern part of Kashmir, the Gilgit-Baltistan, and Pakistan-controlled Kashmir, the Pakistan-occupied Kashmir, formerly known as Azad Kashmir. And they also discussed with them the truly represented Kashmiri people for this courage, for this struggle, for this sacrifice in Pakistani Kashmir or in Indian Kashmir were supporting guns for future development. Not only in the international political scenario, but also gun, a proxy politics, and the proxy war inside Kashmir. For their courage in their way, but they never compromise on their knowledge, on their ideological commitment. For this commitment, for the sake of safety of Kashmiri people and for the sake of future generations. In fact, these are the people, these are the leaders who have the knowledge of, can make their due contribution for the sake of nation. Many officials in the European Parliament and they are going to tell you briefly before the MEPs, before the European politicians, parliamentarians. So far as I have got a little knowledge, on 27th of February, the European Union and the European Parliament Human Rights Desk is moving to continue their struggle to highlight all the issues which are closely concerned with the Kashmiris and Kashmir conflict. Now, I'm going to call the chief guest of today's program, a person who is attached with the rights movement of Kashmiris since 3 or 4 decades, and he has long services to this. Secretary General Aika, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, distinguished guests. This is a good afternoon. And we do apologize that you had to hang on for a little while and the program did start a little late. And nevertheless, can you hear me? Is it okay? Basically, we are here today just, it was our intention to report back to yourselves what we did during the last 3-4 days. And I, as chair of the International Kashmir Alliance and the Secretary General, we had a very busy schedule, proactive discussions, and very valuable interaction, one could say.
but interaction never ends with one interaction. So it has to be an ongoing process. You have to persevere. And with every minute that you meet somebody, there's a change on the situation in the region, and much more, there are changes taking place on the Kashmir issue as well. However, may I beg your attention to one single question, that we are not here to make any political announcements or pronouncements. It is a session where we would wish to answer your questions and to ask you certain questions, direct questions. We are not here to highlight what India is doing and belittle what Pakistan is doing. We are here to position ourselves as the people of Kashmir. We have a position in the larger interest of the people of Kashmir. So the Indians have a position, the Pakistanis have a position. Unfortunately, the people of the state of Jammu and Kashmir do not have a position. And we have to take a position, and that's where we have gone wrong. So those of us who are here of Kashmiri origin, you are the ambassadors of Kashmir, and remember that you are governed by a very special law. I refer to it all the time, and my colleague, distinguished colleague Shaukat Kashmiri, gets upset with this reference all the time. There is a state subject law which dates back to 1927. So a Pakistani was defined a Pakistani after 48. An Indian was defined as an Indian after 1948. But we were defined and still continue to be defined by that law. It is 75, 76 years old law. And this is the only piece of legislature which is respected. On the Indian side of Kashmir, on the Pakistani side of Kashmir, with some prejudice in Gilgit and Baltistan. And we have to check that prejudice, and we have to work hard so that the Kashmiris do not lose the legal personality that we have secured through 127 years of struggle. Kashmiris have struggled for 127 years. It started in 1877. So India and Pakistan started their struggle much later than ours.